फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, इधर पूजा पाठ की तैयारियां चल रही है, आरती बना रही है एक घंटे से। हेलो जी, गुड इवनिंग, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को हमारी तरफ से। करवा चौथ की देर सारी सारी शुभकामना। और बस खाना हो चुका है हमारा कंप्लीट, लगभग 6:30 बज गए हैं, 6:40 हो रहे हैं। तो अब मैं होंगी जाके तैयार, उसके बाद करूंगी पूजा की तैयारी। और पूजा अपने अपने यहाँ के अलग अलग रूल होते हैं सबके। वैसे तो कोई दिन में कथा सुनता है, कोई शाम को सुनता है। हमारे यहाँ तो बस सुबह नहा धो के सूर्यदेव को जल चढ़ा के संकल्प ले लिया जाता है, उसके बाद सारे दिन। और नॉर्मल पूजा वही डेली वाली रहती है, बाकी का सारे दिन कुछ नहीं किया जाता, कहीं कहीं दिन में कथा सुनी जाती है। और हमारे यहाँ रात को ही होती है। तो अभी 6:30 बज गए हैं, तो 7:30 से पूजा शुरू करूंगी। जब तक चंद्र निकलेंगे तब तक मैं पूरा कथा बता, पूजा वूजा सारा कुछ मेरा हो जाएगा आराम से। तो टाइम से ही हो गया है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुलगुले रह गए, तो 4-5 गुलगुले और सेक लेती हूँ। हमारे यहाँ जो भोजन में मेन रहता है वो रहता है कड़ी चावल। तो ये कड़ी चावल मैंने बना के रख दी है। वैसे तो अपने ऊपर करता है कि क्या बनाना क्या नहीं बनाना। मैंने बनाया है यहाँ कड़ी चावल, खीर और पूड़ी, आलू पूड़ी और ये गुलगुले, बस यही रहेगा। 5 तरह का पकवान और मीठा, बस फटाफट इनको और सेक के रेडी हो जाते हैं। रेडी होने में भी टाइम लगेगा, 1 घंटा लग जाता है तैयार होने में। देखिए आरती काफी जल्दबाजी में काम कर रही है। हाँ जल्दी जल्दी नहीं है अभी, मतलब मैं सोच रही हूँ पूजा तो अपने टाइम समय से शुरू हो जानी चाहिए। जब तक सूर्य निकले चंद्रमा तब तक हमारी कथा का कंप्लीट हो जाए। मुझे तो सारा कुछ अकेले करना पड़ता है, तो उससे ज्यादा टेंशन होती है। वैसे तो अपना एटा बेटा रहती थी तो अभी इतनी टेंशन नहीं थी, दीदी लोग तैयार कर लेती थी सारा कुछ और एक जगह सारे लोग पूजा कर लेते थे। यहाँ हूँ तब से अकेले थे, भाई यहाँ का कुछ रूल नियम अलग है, हमारे यहाँ के अलग है, तो सबके साथ नहीं हो पाता है। अब लगा रही हूँ, लेके आए आज कुछ ज्यादा ही मेहमान है, पर्स लेके आए थे आज, गजरा लेके आए हैं। वैसे तो कभी भी नहीं लाया, पहली बार लाए हैं। इसको कैसे खा लो? मैंने कहा था कि पापा जी से मम्मा जी और गले में ये डाला है थोड़ा सा हल्का छोटा सा सेट, इसी से मैं सिंगारे गई थी। और बताइएगा जरूर कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है साड़ी देखिए। बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लेकर ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चल निकल आया अर्घ देकर भोजन जीव लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि जाओ तुम भी चंद्रमा को आज दे दो, परंतु वह कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, जय गणेश जय गणेश जय
और नीचे की पूजा कर ली है मैंने, अब चलती हूँ छत पे, छत वाली पूजा करूँगी। वैसे तो करवा माता की पूजा भी मैं छत पे ही किया करती थी जब गांव में थी, इटा रही, और जब से बैराज आई हूँ तब से मैं करवा चौथ की पूजा नीचे कर देती हूँ, बाकी की पूजा छत पे जाकर कर देती हूँ। तो सबसे पहले चंद्रदेव की पूजा करूँगी। वैसे तो सबके यहाँ अलग अलग रूल नियम होते हैं और मेरे यहाँ तो कुछ इसी तरह पूजा की जाती है। सबसे पहले दूंगी अब मैं चंद्रदेव को अर्घ, और चंद्रदेव को अर्घ जो है हमारे यहाँ जो करवे में सीख लगाई जाती है उसी सीख से होकर दिया जाता है। अपने अपने यहाँ के भाई सबके अलग अलग रूल नियम होते हैं, मुझे तो जैसे भी मेरी सासूबा ने बताया बस उसी तरह करती हूँ। मैं फोटो भी खींच, फोटो भी खींच रहा है, फोटो भी खींचना तो खींच, थोड़ा पास से जा। तो बस पूजा हमारी हो चुकी है और बस इसी तरह करती हूँ मैं पूजा। अपनी अपनी अलग अलग रिवाज होती है, जो क्या कहते हैं दो करवा रखती हूँ। वैसे तो दो की जरूरत नहीं होती है, जब अकेले रहना होता है कहीं तो दो करवे रखने पड़ते हैं, एक गौरा जी का एक खुद के लिए, और जो दूसरा करवा मेरा रहता है उसी से चंद्रदेव को अर्घ लगाती हूँ। इसी तरह पूजा करती हूँ भाई। और आपके यहाँ किसके यहाँ कैसे कैसे होती है तो बताइएगा जरूर। जो सासू माँ की थाली है उसको उठा के पैक करके रख देंगे, और खाने के भी क्या कहते हैं सीधा जो कि हमारे पास तो अभी कोई है नहीं यहाँ, तो बस गाय माता के लिए थोड़ा सा निकालेंगे और खुद का व्रत खोलेंगे। क्या किया जाए, परदेश में रहने का यही एक घाटा होता है, और इस टाइम माता पिता नहीं है साथ में, और इस टाइम पे बहुत ज्यादा याद भी आती है, बहुत याद आती है अकेले अकेले परदेश में, एकदम से अकेले अकेले पड़ जाते हैं। तो क्या किया जाए भाई, जॉब है, पेट के लिए सारा कुछ करना पड़ता है, बच्चों के लिए पेट के लिए। रख लो माँ जी की थाली और जो भी सामान है, कहते नहीं है कि ये पेट, ये पेट बहुत ही खराब चीज है, कहीं कुछ भी कराता है आदमी से, वही हिसाब हम लोगों का भी है। कोई बात नहीं, आते अभी घूम के आए माता पिता के पास और फिर चलेंगे, क्यों परेशान हो। भले घूम के आए तो ये डायरेक्ट देती तो बात अलग पड़ती ना, अब ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, और इस समय तो गांव माता भी नहीं मिलेंगी हमको, उठा कर भी उनका भोजन जो है रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ऐसे। काफी समय हो गया ना, सुबह वाले मिले, सुबह खिला देंगे क्या, अभी तो गांव माता भी मिलेंगे, सुबह खिला दिया जाएगा। तो सबसे पहले गांव माता के लिए रख देते हैं निकाल के। हाँ जी, और उसके बाद खुद की पेट में रख देंगे। बिल्कुल है तो खिला दो बेटा, डायरेक्ट खिला दो। तो फ्रेंड्स हमारा आज का पूजा स्पेशल कैसा रहा, करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर,
और अपना ढेर सारा आशीर्वाद हमको जरूर दे। बस यही रहेगा आज ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कमेंट करना न भूले, अपना आशीर्वाद देना न भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।